खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दुबई में मौत की बिसात, सूरत में मौत की चाल, लखनऊ में कातिलों की टोली, आज होगा कैमरे में कैद हत्यारों का खुलासा। कमलेश तिवारी हत्याकांड का पूरा सच, साजिश की बिसात पर मौत की चाल। कहानी हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी के मर्डर की है। कातिलों ने बड़ी ही चालाकी से कमलेश तिवारी को उनके घर में ही मौत के घाट उतार दिया था। और अब दिल दहला देने वाले इस कांड के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया है उसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या के बाद उनके परिवार वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। परिवार को मिलने का हो गया। परिवार कमलेश की हत्या के बाद उनके समर्थकों में जबरदस्त गुस्सा है। हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। हर कोई जल्द से जल्द कमलेश के हत्यारों को सलाखों के पीछे देखना चाहता है। और इसी बीच पुलिस ने जो खुलासा किया है उसकी कहानी ने हर किसी को सन्न कर दिया है। दुबई में मौत की बिसात, सूरत में मौत की चाल, लखनऊ में कातिलों की टोली, आज होगा कैमरे में कैद हत्यारों का खुलासा। कमलेश तिवारी हत्याकांड का पूरा सच, जी हां, लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या की साजिश के तार सूरत, बिजनौर, मुरादाबाद और दुबई तक से जुड़े हैं। यूपी पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की तहकीकात में अहम कड़ियों को जोड़ते हुए जो खुलासा किया है उसने हर किसी को चौंका दिया है। पुलिस का दावा है कि कमलेश तिवारी की हत्या 2015 में दिए गए एक भड़काऊ भाषण की वजह से की गई है। तब कमलेश तिवारी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान दिया था। 2015 के जो बयान थे मृतक के, जिसमें उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज कहा था जो वीडियो में भी वायरल हुआ, उसके बाद मौलाना ने ये कहा कि ये वाजिबदार कत्ल होना चाहिए और इसे मारने की जरूरत है, और उसी के आधार पे उसे भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक कमलेश तिवारी की हत्या की साजिश में एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल हैं, लेकिन वो कौन हैं? ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं ये सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी की ये तस्वीरें सूरत की एक मिठाई की दुकान की हैं। पुलिस का दावा है कि इसी दुकान से वो मिठाई खरीदी गई थी जिसके डिब्बे में चाकू और पिस्तौल लेकर कातिल कमलेश तिवारी के घर तक पहुंचे थे। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप जिन दो शख्स को देख रहे हैं, पुलिस का दावा है कि इन्हीं दोनों ने अपने एक साथी के साथ मिलकर सूरत में कमलेश तिवारी की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी, और इन्हीं दोनों ने अपने साथी के साथ मिलकर कमलेश की हत्या के लिए मौत के मोहरों को उनके घर तक भेजा था। लेकिन ये हैं कौन? तो अब आप इनके नाम भी जान लीजिए।
पुलिस के मुताबिक सूरत के उधना इलाके में धरती स्वीट्स की दुकान से मिठाई खरीद रहे इन दोनों लोगों में से एक का नाम है रशीद पठान और दूसरा है सईद पठान उर्फ फैजान। दोनों भाई हैं। पुलिस की माने तो रशीद कुछ दिन पहले दुबई में रहता था और वहीं से वो कमलेश तिवारी की हत्या की पूरी साजिश के साथ सूरत पहुंचा। सूरत में रशीद की साजिश में उसके भाई फैजान के साथ ही उसका दोस्त मोहसिन शेख भी शामिल हो गया और फिर तीनों ने हिंदू समाज पार्टी के प्रमुख कमलेश तिवारी की हत्या के लिए मौत के मोहरों को मिठाई के डब्बों और हथियारों के साथ लखनऊ भेज दिया। ये तीन हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्सेज रहे हैं और जिन्होंने शामिल होकर कॉन्स्पिरेसी किया है। जैसा कि मैंने कहा कि एक ने उस स्टेटमेंट को कंडेम किया और उस पर मारने की योजना बनाई, दूसरे ने इनिशियल प्लान किया और तीसरा जो है मिठाई खरीदने के लिए उस दुकान में गया जिसका वीडियो फुटेज है। इन सब चीजों के आधार पर हम कह सकते हैं और जो हमारी पूछताछ हुई है उस आधार पर हम और भी लोगों के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हम पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक रशीद, फैजान और मोहसिन ने हिंदू समाज पार्टी के प्रमुख कमलेश तिवारी की हत्या की प्लानिंग बेहद पुख्ता तरीके से की थी, लेकिन जिस मिठाई के डिब्बे के साथ इन्होंने कातिलों को कमलेश तिवारी के घर भेजा था, मिठाई के उसी डिब्बे ने इनका राज खोल दिया। कमलेश तिवारी की जो हत्या हुई थी उसके घटना स्थल से जो घारी का डब्बा था वो मिला था। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हो, इस प्रकार से जो सीसीटीवी में कैद हुए दो लोगों की तफ्तीश भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इस तरह का डब्बा मिलते ही यूपी पुलिस ने सूरत पुलिस को इत्तला की है और सूरत पुलिस यहाँ पर घटना स्थल पर आ चुकी है। यहाँ से मिठाई खरीदी गई थी 16 तारीख के दिन, जब यहाँ पर वो दो अनजान शख्स आए होंगे तो सामने वाले सीसीटीवी में जरूर कैद हुए होंगे। यूपी पुलिस के मुताबिक कमलेश तिवारी की हत्या की साजिशों में शामिल रशीद, फैजान और मोहसिन को गुजरात पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है और जब इन तीनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। हम लोगों ने तीन व्यक्तियों को, तीन अपराधियों को हिरासत में लिया है और उनसे बहुत ही सघन पूछताछ की जा रही है। जो तीन संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों ने हिरासत में लिया है और गुजरात में अभी वो पूछताछ के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप यूपी और गुजरात पुलिस की दबिश की तस्वीरें देख सकते हैं। इन तस्वीरों में पुलिस के जवान रशीद, फैजान और मोहसिन को उनके घर से गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। राशिद और फैजान ये दोनों भाई हैं, लिम्बायत के पद्मावती सोसाइटी में रहते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हो, ग्रीन व्यू में जो फैजान है, राशिद है, दोनों रहते थे। दोनों भाइयों को अहमदाबाद एटीएस ने धर दबोचा है। हालांकि तीन जितने युवाओं को यहां पर धर दबोचा है, मोहसिन शेख नाम का जो युवान है उसे भी यहां पर अहमदाबाद एटीएस ने धर दबोचा है। दूसरी ओर आप देख सकते हो फैजान जो है वो जिलानी पार्क इसी इमारत में रहता था और 2 महीने पहले ही शादी ब्याह में शरीक होने के लिए दुबई से आ पहुंचा था। पुलिस का दावा है कि सूरत का रहने वाला रशीद हिंदू समाज पार्टी के प्रमुख कमलेश तिवारी की हत्या का प्रमुख आरोपी है। इसी ने अपने भाई फैजान और दोस्त मोहसिन के साथ मिलकर कमलेश की हत्या के लिए मौत के मोहरों को तैयार किया था। मौत के वो मोहरे जिस मिठाई के डब्बे में हथियार छुपाकर लखनऊ कमलेश तिवारी के घर पहुंचे थे, उसकी खरीदारी भी रशीद और उसके भाई फैजान ने ही की थी, लेकिन इनके घर वाले दोनों को बेगुनाह बताते हैं। हम बिल्कुल भी नहीं मानते, हमारे बच्चों का ऐसा कोई किरदार नहीं है, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है, वो कभी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहे, उनके ऐसे यार दोस्त नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि हमारे बच्चे इस तरह का कोई काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर वो ऐसे भी नहीं है कि कहीं सुबह से निकल गए शाम तक घूम रहे हैं, उनका काम कितना है कि मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ के आ जाएंगे, या हम कोई सौदा मंगवाएं तो वो जाएंगे दुकान से सौदा खरीद के ले आएंगे। कमलेश तिवारी की हत्या के आरोप में सूरत से पकड़े गए रशीद और उसके भाई फैजान के साथ ही मोहसिन के घर वाले भी उसे बेकसूर बता रहे हैं,
लेकिन यूपी पुलिस का दावा है कि उसके पास इन तीनों के खिलाफ पुख्ता सबूत है। और अब आप देखिए सीसीटीवी की ये तस्वीरें। सीसीटीवी की ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। इन तस्वीरों में आप उन दो कातिलों को देख सकते हैं जो सूरत में खरीदे गए मिठाई के डब्बों के साथ कमलेश तिवारी के घर की ओर जा रहे हैं। भगवा कुर्ते पहने ये हत्यारे कौन है, पुलिस ने अभी ये खुलासा नहीं किया है। पुलिस इन हत्यारों को गिरफ्तार भी नहीं कर पाई है और इसी बात से कमलेश तिवारी के घर वाले पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। को नहीं पता कि वहाँ पे वो जिन्होंने मर्डर किया है मेरे पापा का वही हैं या कोई और साजिश के तहत दूसरों बेकसूरों को फंसाया जा रहा है। अगर हाँ वही हैं, इनके पास वीडियोग्राफी है तो वीडियोग्राफी मिला के उसको फेस मिलाएं, जो एजेंसी के लिए हम लोगों ने कंप्लेन की थी कि हाँ वो वाली जाँच कराइए NIA वाली, तो वो अगर वो करवा रहे हैं, अगर उसके द्वारा साबित हो रहा है तो हाँ वही हैं, बाकी हमको प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है कोई। हत्यारों ने हिंदू समाज पार्टी के प्रमुख कमलेश तिवारी को जिस तरह से घर में घुसकर चाकू मारा, गोली मारी और फिर बड़े आराम से भाग गए, उसने हर किसी को सन्न कर दिया है। कमलेश तिवारी की मां अपने बेटे की हत्या के बाद यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन पर सीधा आरोप लगा रही है। इनका कहना है कि योगी सरकार ने कमलेश की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों में से एक को छोड़कर सभी को हटा दिया था और जो एक सुरक्षा गार्ड था उसने भी कातिलों को बिना किसी जांच पड़ताल के घर में घुसने दिया। हम योगी जी से पूछना चाहते हैं कि कमलेश तिवारी क्यों मारे गए जब उनको सुरक्षा दी गई थी, तो सुरक्षा क्यों हटाई गई? अखिलेश सरकार में 17 दिए गए, योगी में 4 दिए गए और चारों वो वापस कर लिए। जिस दिन सुरक्षा वाली जो सुरक्षा कर्मी था वो पता कैसा था, उसके लिए टिकटी बना के लाते तो उसी पर लाद के ले जाने वाला था और उसके हाथ में एक डंडा था, डंडा होम गार्ड वाला डंडा। आया समझ में? अगर सुरक्षा कर्मी थे तो कैसे उनका गला काट दिया गया? केवल हम ये हमारी यही मांग है और यही हमारी हमको न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए लड़ेंगे अंतिम सांस तक। कमलेश तिवारी की मां का आरोप है कि इनके बेटे को लगातार जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी। अपनी जान की सलामती के लिए कमलेश ने कई बार पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई थी लेकिन किसी ने भी उनकी फरियाद पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर हत्यारों ने घर में घुसकर कमलेश की हत्या कर दी। सिक्योरिटी गार्ड था, सो रहा था, एक बुड्ढा सो रहा था। वो सर, सो रहा था। 3 महीने से सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि हाँ हाँ मेरी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, मेरी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही ना के थाने। कल का लेने गया तो ये देखिए वहाँ पे मारा उन्होंने, लाठी चार्ज किया मेरी मम्मी के ऊपर भी लगा, मेरे भाई को भी लगा और जितने कार्यकर्ता थे सबको पकड़ के ले गए। कमलेश तिवारी की हत्या के बाद सदमे में डूबी उनकी माँ का तो ये भी आरोप है कि अगर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की होती तो हत्यारे पकड़े जाते, लेकिन दिन दहाड़े मर्डर के बाद भी लखनऊ पुलिस सोती रही और हत्यारे भागने में कामयाब हो गए। वो बुढ़ा है, उचल नहीं पाता, हम बता रहे हैं रिटायर बुढ़ा है, वो क्या पकड़ेगा, उसको जानकारी तक नहीं थी। जब ऊपर सब रोने लगे बच्चे तब उसने कहा क्या हुआ, अब पूछ रहा क्या हुआ। ये सुरक्षा थी योगी सरकार में भैया? हाँ, क्या हमारी पुलिस इतना हमारे साथ कल दुरुपयोग किया है, दुर्व्यवहार किया है? कल हमारे साथ लाठी चार्ज कर दिया, हमारे पोते को मारा, हमारी बहू को मारा, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा, हमारे साथ जो गए थे सबको मारा, लाठी से पीट दिया, किसी का दांत टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी की गाड़ी फट गई। ये हमारे साथ पुलिस कर रही है भैया, आप हम क्या बताए। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप उन संदिग्ध हत्यारों को देख सकते हैं जो कमलेश तिवारी की हत्या के बाद बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन ये कौन हैं? पुलिस को अब तक इसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि कमलेश तिवारी हत्याकांड में परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने बिजनौर के रहने वाले मौलाना अनवारुल हक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। ये वही अनवारुल हक है जिसने 2015 में कमलेश तिवारी के विवादित बयान के बाद उनका सिर कलम करने पर 51 लाख के इनाम की घोषणा की थी।
बिजनौर के मुसलमानों की तरफ से उसका सर कलम करने का 51 लाख रुपए का ऐलान किया गया। कमलेश तिवारी तो जेल में हो या कहीं भी हो, लेकिन बच नहीं सकता है। ये चेतावनी है जिला बिजनौर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कि तुझे अगर अदालत सजा देती है तो ठीक, वरना मुसलमान खुद अपने हाथों से सजा देने के ऊपर मजबूर हो। पुलिस ने कमलेश तिवारी के परिवार वालों की शिकायत पर कमलेश तिवारी की हत्या का ऐलान करने वाले मौलाना अनवारुल हक के साथ ही मुफ्ती नईम कासमी को भी आरोपी बनाया है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए अब पुलिस अनवारुल हक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कमलेश की हत्या में अनवारुल हक का हाथ है या नहीं, पुलिस ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन अनवारुल के घर वाले उसे बेकसूर बताते हैं। बिल्कुल सरासर झूठ है, उनको फंसाया जा रहा, लेकिन उसमें इनका कोई हाथ नहीं है। कि जो आरोप लगा है, जो हत्याकांड हुआ है लखनऊ में, उसमें नामजद जो FIR हुई है, उसमें अनवारुल हक का भी नाम है, क्योंकि उन्होंने कई साल पहले सर कलम करने की जो बात कही थी, उस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने जब की होगी, लेकिन उन्होंने अब से 2.5-3 साल पहले से सब कुछ छोड़ दिया, नेतागिरी सब कुछ छोड़ दिया, अपने बच्चों में रहते हैं, मजदूर करके अपना गुजारा करते हैं, दाल रोटी अपने बच्चों के साथ में खाते हैं, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, कहीं आना जाना कुछ नहीं। उनको जो रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस मामले में बिल्कुल बेकसूर है कमलेश तिवारी के बारे में, क्योंकि वो मेरे पास रहे, तकरीबन 2.5-3 साल से यही रहते हैं अपने बच्चों में, वो यहाँ खाते पीते हैं, वो नेतागर्दी बिल्कुल नहीं करते, उन्होंने काम छोड़ दिया। हिंदू समाज पार्टी के प्रमुख कमलेश तिवारी हत्याकांड की एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए UPA STF ने गोरखपुर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन से 5 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि सूरत में गिरफ्तार किए गए रशीद, फैजान और मोहसिन के कबूलनामे के बाद कमलेश तिवारी हत्याकांड के रहस्यों से पर्दा उठ गया है और जल्द ही इस हत्याकांड की साजिशों से जुड़े दूसरे आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने कमलेश तिवारी हत्याकांड की मिस्ट्री को सुलझाने का दावा तो कर लिया है, लेकिन अभी भी इस केस से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनका पुलिस के पास भी कोई जवाब नहीं है। रशीद, फैजान और मोहसिन, ये वही 3 लोग हैं जिन्हें पुलिस ने कमलेश तिवारी की हत्या की साजिशों के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि 2015 में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए गए विवादित बयान की वजह से इन तीनों ने कमलेश तिवारी की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस का कहना है कि इन तीनों की गिरफ्तारी के साथ ही कमलेश तिवारी की मर्डर मिस्ट्री को भी सुलझा लिया गया है, लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। पुलिस का दावा है कि हत्या की साजिश रचने वाले सूरत से पकड़े गए हैं, तो फिर हत्या को अंजाम देने वाले दोनों कातिल कहां हैं? पुलिस कहती है कि हत्या की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी रशीद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तो फिर पुलिस रशीद से अब तक ये क्यों नहीं जान पाई है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले कातिलों के नाम क्या हैं? पुलिस की थ्योरी के मुताबिक अगर हत्या की साजिश सूरत में रशीद, फैजान और मोहसिन ने रची, तो बिजनौर से मौलाना अनवारुल हक के साथ मुफ्ती नईम कासमी को क्यों हिरासत में लिया गया? वारदात की जगह जो पिस्तौल मिली है वो किसकी थी? अगर हथियारों की थी तो वो छोड़ क्यों गए? क्या हथियारों ने हत्या से पहले कमलेश तिवारी के घर और दफ्तर की रैकी की थी? अगर हत्याकांड की साजिश सूरत में रची गई और यूपी के लोग भी इसमें शामिल थे, तो घटनाक्रम क्या था? हत्यारे कैसे आए और कैसे फरार हो गए? कमलेश तिवारी हत्याकांड की तहकीकात से जुड़े ये वो सवाल हैं जिनका हर कोई जवाब चाहता है, लेकिन पुलिस के पास फिलहाल इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। दुबई में मौत की बिसात, सूरत में मौत की चाल, लखनऊ में कातिलों की टोली, आज होगा कैमरे में कैद हत्यारों का खुलासा, कमलेश तिवारी हत्याकांड का पूरा सच। हिंदू समाज पार्टी के प्रमुख कमलेश तिवारी की हत्या के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने जो खुलासा किया है उसने हर किसी को चौंका दिया है। शुक्रवार को लखनऊ में कमलेश तिवारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी और आज जब उनका शव सीतापुर पहुंचा तो कोहराम मच गया। सीतापुर के महमूदाबाद इलाके में इस हत्याकांड को लेकर लोग काफी गुस्से में हैं। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से ही इनकार कर दिया। उनकी मांग थी कि जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आकर उनकी मांगे नहीं मानते, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।
हम नहीं करेंगे भाई संस्कार उसका, हम सड़ जाएंगे उसके लिए, और कर नहीं करेंगे, नहीं आएंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हम इसी जगह आत्महत्या कर लेंगे। अभी हमारे साथ हम पूरे बच्चों को उनके यही जला के मार डालेंगे, जीने के काबिल हमको छोड़ा नहीं योगी ने। कमलेश तिवारी के शव को रख कर सीएम योगी को बुलाने की मांग कर रहे परिजनों को समझाने के लिए लखनऊ रेंज के आईजी एसके भगत और कमिश्नर महेश कुमार महमूदाबाद पहुंचे। काफी समझाने बुझाने के बाद कमलेश तिवारी के परिजनों और प्रशासन के बीच समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक कमलेश के परिजनों से सीएम योगी 20 अक्टूबर की शाम तक मिलेंगे। इसके साथ ही एनआईए और एसआईटी इस मामले की जांच करेंगे। परिजनों ने मुआवजे के साथ बेटे के लिए नौकरी की भी मांग रखी है। इसमें जो है उनकी कुछ मुख्य डिमांड थी, वो सीएम से मिलना चाह रहे थे और जो है उनको समय दे दिया गया है कि जो है आज और कल के बीच में जब भी समय मिल जाएगा उनको जो है परिजनों से, इनफैक्ट वहाँ से ही निर्देश था कि जो है सीएम का वो काफ़ी दुखी हैं और जो है उनको मिलवाना का समय मिल जाएगा आज और कल के बीच में। और जहाँ तक घटना के संबंध में आपने डीजीपी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना ही होगा कि जो है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण लीड्स मिले हैं और पूरे सारी एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज हो, स्टेट एजेंसीज हो, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हो, और सारे लोग लगे हुए हैं, एज अ टीम वी आर वर्किंग। प्रशासन से भरोसा मिलने के बाद परिजनों ने शव यात्रा निकाली और फिर कमलेश तिवारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कमलेश तिवारी की हत्या के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की है। भय और दहशत का माहौल पैदा करने वाले जो भी तत्व होंगे सख्ती के साथ उनके मंसूबों को कुचल करके रख देंगे। इस प्रकार की किसी भी वारदात को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी इस घटना में संलिप्त होगा उन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच कमलेश तिवारी हत्याकांड की तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि साजिश में शामिल दूसरे लोगों की अलग अलग शहरों से धरपकड़ की जा रही है और जल्द ही इस खूनी कांड की पूरी हकीकत का खुलासा हो जाएगा। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कमलेश तिवारी हत्याकांड का पूरा सच क्या है, यह हर कोई जानना चाहता है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर कांड के बाद पुलिस अब भी तहकीकात में जुटी है और जब तक सारा सच सामने नहीं आ जाता है सनसनी की नजर भी इस मामले पर बनी रहेगी। सनसनी।